में भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखा रहे थे, लेकिन वो आज भारतीय जनता पार्टी को यदि पीछे दिखा रहे हैं तो वो चैनल भी गलत नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा सम्मान के साथ, मोहब्बत के साथ असहमत होने का ये तरीका मिथुन जी का उनके नाम के हिसाब से ही है। मैं आपके पास आऊंगा मिथुन जी, लेकिन 116 का जादुई आंकड़ा और मध्य प्रदेश में 210 सीटों का रुझान हम आपको बता चुके हैं 230 सीटों में से। मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी सिर्फ रुझानों की बात कर ली जाए 117 के आंकड़े को, जादुई आंकड़े से एक ज्यादा, लेकिन इस बात पर भी नजर रखिए कि आंकड़े क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। 117 अगर बीजेपी नजर आ रही है तो कांग्रेस 93 सीटों पर लीड लेती नजर आ रही है। बहुत दिलचस्प मध्य प्रदेश का चुनाव इस वक्त होने जा रहा है, पहले भी कई मायनों में खास रहा है लेकिन अब बहुत ज्यादा दिलचस्प। मिथुन जी आपका रिएक्शन प्लीज कंटिन्यू। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी हालत में सरकार नहीं बनाने वाली है। शाम 6 बजे से पहले शिवराज चौहान जी का इस्तीफा हो जाएगा, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ 7 तारीख को लेंगे। हमारे सारे कार्यकर्ता अपने पटाखे जो हैं बचा करके रखें, 12 बजे आपको चलाना है। चलिए नेहा जी पटाखों, पिछली बार तो रात हो गई थी काउंटिंग होते होते और इस बार कह रहे हैं शाम 6 बजे तक, ये टाइम भी बता दिया है। सर बहुत मुस्कुरा रहे, सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे चुनाव हुआ उसके तुरंत बाद से जो एग्जिट पोल आए और वहाँ से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। मेरे साथी अभी भी आश्वस्त है कि कमलनाथ जी सरकार बनाएंगे, तो थोड़ा मुस्कुराना मेरा भी बनता है। मेरा ये मानना है एग्जिट पोल दिखा रहे तो उन्हीं पर कांग्रेस आगे भी